तो माफी मांग लेने से, नहीं मांग लेने से ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा। देखिए गुलशन भैया को इन लोग मर्डर करवा दिया, मार दिया जान से, उस चीज़ को हम आज तक नहीं भूले। गुलशन भैया देखिए एक एक पाई पाई जोड़ करके हमारा गुलशन भैया टी सीरीज का कंपनी ये खड़ा किए थे, बुनियाद रखे थे। सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले इन लोग भांड बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सौगंध टीवी पे। सलमान खान माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाबा सिद्दीक का हुआ है। जी हाँ, ये हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं लॉरेंस बिश्नोई के गुर्ग के उस मैसेज के जो कि सलमान खान को दिए गए हैं। एक तरह से धमकी दी गई है कि अगर सलमान खान ने काले हिरण केस पर माफ़ी नहीं मांगी तो उनका भी वही हाल होगा जो 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीक का हुआ है। हमारे साथ मौजूद है सर। सर, जैसे कि अभी करणी सेना ने एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने ये कहा है जो भी पुलिस अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसको 1,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए वो जो जिसका नाम बता रहे हैं ना, वो अपना कभी भी अपना जाति में अपना हिंदुओं के लिए कभी भी एक पैसा खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन किसी की हत्या करवाने के लिए, किसी का जान लेने के लिए उनका पैसा जो है ना नाक सांप की तरफ फनफना रहा है। तो ये जो है इस टाइप से ये ऐसा बोलेंगे फिर उधर से वो एक्शन कुछ और लेगा, तो ये जो है ना समाज में कहीं ना कहीं जो है ना ये गलत काम कर रहे हैं, गलत मैसेज जाएगा इससे, ऐसे नहीं करना चाहिए। इनका पास ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा दौलत हो गया तो इनको गरीबों में दान कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग आज कुपोषण से मर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। जरूरत से ज़्यादा धन दौलत हो जाने से ना आदमी ऐसे ही कुकृत्य करना शुरू कर देता है कि उसको मारने का सुपारी दे देगा, उसको मारने का सुपारी दे देगा। अरे भाई, तुम किसी का जिंदगी बना नहीं सकते हो, मारने का कौन तेरे को राइट्स दिया है? कौन हक, कैसे, कौन सा हक से तुम किसी को मारने का चैलेंज करते हो? ये बात। लेकिन सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ और बोली गई है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ये बोला है कि अगर सलमान खान उनके कुल देवता के मंदिर जाकर माफ़ी मांग लेते हैं तो सलमान खान को बख्श दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, माफ़ी मांग लेने से हिरण का जान जो है इतना दुर्लभ, काला हिरण जो है ना वो देखने को नहीं मिलता है और बहुत दुर्लभ प्राणी है वो, तो उनकी संख्या भी बहुत कम है पृथ्वी पर। तो वो जो मर चुका है, जिसको वो पका के खा गए हैं, वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, जान उसका वापस तो नहीं आएगा ना। तो माफ़ी मांग लेने से, नहीं मांग लेने से ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरा तो ये कहना है। और जो आज मैं तो ये देखता हूँ कि ये जितना कुकृत्य किया है भांड बॉलीवुड, जितना हमारा नौजवान, हमारा भारतीय नागरिकों को, आवाम को, नौजवानों को नशेड़ी बना दिया और जो है ना उसको फिल्मी स्टाइल से लोग जो है ना उसको देख करके नकल करते हैं, क्राइम करते हैं, पूरे शरीर में भांड बॉलीवुड का किया कि पूरे शरीर में देखिए कि टैटू गुदवाना सिखा दिया। आजकल के नौजवान देखिए फटा चिटा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जब वैलेंटाइन डे के दिन में हमारा जो है ना मातृ पितृ पूजन दिवस का ऐसा सिस्टम था। आज देखिए छोटा छोटा लड़का लोग, नौजवान लड़का लोग जो है ना ये फिल्मी फिल्म को देख करके इतना बिगड़ गए हैं कि अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, है ना, नशेड़ी बन गए हैं, पूरा रील्स दिन भर बनाते रहते हैं, खटिया में पड़े पड़े, बिस्तर में पड़े पड़े रील्स बनाते रहेंगे। माँ बोली कि बेटा जा थोड़ा सिलेंडर भरा करके ला, तो माँ को आँख दिखाएंगे, बड़ा भाई को आँख दिखाएंगे, काम चोर बना दिया, निर्लज बना दिया। तो ये जो है ना सारा का सारा श्रेय जाता है भांड बॉलीवुड को। हमारा देखिए गुलशन भैया को इन लोग मर्डर करवा दिया, मार दिया जान से, उस चीज़ को हम आज तक नहीं भूले। गुलशन भैया देखिए एक एक पाई पाई जोड़ करके हमारा गुलशन भैया टी सीरीज का कंपनी ये खड़ा किए थे, बुनियाद रखे थे। आज जब टी सीरीज था तो हमें माता का भजन, माता का चौकी, माता का जागरण ये सब सुनने को मिलता था। आज देखिए खाली भांड बॉलीवुड गाना में देखिए कैसा कैसा खाली अश्लीलता भरा हुआ है। तो वो जो है ना ये सब चीज़ जो है ना करने का काम किया है। आज देखिए सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले इन लोग भांड बॉलीवुड, है ना, उसके बाद में दिशा सालियान हो गए, दिव्या भारती जी हो गया, इन लोग सबको मार दिए। जो उभरता हुआ कलाकार, उन लोग, इन लोग देखते हैं कि उभर रहा है, नाम कमा रहा है तो इसको मार दो, उन लोग मार देते हैं बॉलीवुड वाले। तो ये जो है ना हमारा देखिए पालघर में हमारा साधु संत जो है ना उनको मार दिए इन लोग महाराष्ट्र में, तो हमको उसका भी न्याय नहीं मिला और ना आज तक गुलशन भैया का न्याय मिला। तो हम जो है ना कहीं जख्म बहुत ज़बरदस्त खाए हुए हैं। हम अपना तो दुख से दुखी हैं और दूसरा का दुख के क्या बोले। हम ना इनका विरोध करते हैं और ना इनको जो है ना हम सपोर्ट करते हैं, ना तो हम सपोर्ट में ना विरोध में। इन लोग जो जैसा करनी करेगा उसको ऐसा भगवान उसे फल देगा, ये सिस्टम है।
तो जैसा कि आपने सुना, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये धमकी दी गई है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर उनकी जान बख्श दी जाएगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनका हाल वही होगा जो कि बाबा सिद्दीकी का हुआ है। और इस पर अभी हाल फिलहाल में अनूप जलोटा ने भी जो है वो कमेंट किया है, सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो माफ़ी मांगने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।